ये खबर पढ़ी आपने? पढ़ी ना हो तो देखी जरूर होगी। क्या आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा कहा है जो हमारे देश की मीडिया आपको दिखा रही है? हो सकता है इसे सही मान लिया हो आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। अगर आपको किसी के बयान की ऐसी तैसी कर देना हो तो वो हमारी देश की मीडिया से सीखना चाहिए। बिना जाने पहचाने, बिना समझे मीडिया खबर को कूड़ा बना दे रही है। ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आज सुबह एक खबर पढ़ी कि मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान। मैंने सोचा कि अब ये खट्टर जी ने क्या बोल दिया। सर्च करना शुरू किया तो कई लिंक मिले जहाँ लिखा था कि खट्टर ने दिया विवादित बयान। जब उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अब लोग कश्मीर से भी बहू ला सकते हैं। इसे विवादित बताया गया। हो सकता है ये विवादित हो, लेकिन जब मैंने मनोहर लाल खट्टर के उस कथाकथित विवादित बयान का वीडियो खोजकर देखा तो मेरा माथा सनक गया कि आखिर हमारी देश की मीडिया को हो क्या गया है। मतलब किसी के बयान की एक लाइन को लेकर विवादित बयान बना दिया जा रहा है, उसके आगे का क्या, उसके पीछे का क्या, मीडिया को भी नहीं पता। आखिर खट्टर का बयान किस संदर्भ में था और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इससे मीडिया को मतलब नहीं है क्या? आप पहले पूरा वीडियो सुनिए जिस पर लोग मनोहर लाल खट्टर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जिसे विवादित बयान बताया जा रहा है। देखिए पूरा वीडियो देखिए। अरे भैया, हमारे देश के मीडिया कर्मियों, हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इसमें विवादित क्या था? माना कि ब्रेकिंग कवर करने के चक्कर में आप पूरा वीडियो देखने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन कम से कम इस तरह के दुष्प्रचार से तो बचिए। अब भाई, खबर मीडिया में चल रही थी तो महिलाओं की भलाई करने के लिए कुर्सी पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कैसे चुप रहती? इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। स्वाति जी अति क्रोधित होकर लिखती हैं कि शर्म आनी चाहिए मनोहर लाल खट्टर को इस वाहियात बयान के। सड़क छाप रोमियो की भाषा मुख्यमंत्री बोल रहा है, महिला इनके लिए वस्तु है। प्रधानमंत्री कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि पूरा देश उनके साथ है, तब ये नालायक मुख्यमंत्री अभद्र बातें कर हिंसा भड़का रहा है। इन पे हर हाल में FIR होनी चाहिए, ये कहा है स्वाति जी ने। अब मैं कहता हूँ शर्म तो आपको आनी चाहिए स्वाति जी कि आप गलत खबर के चक्कर में भ्रमित हो गई। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आम लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग इस तरह की खबरें और फैलाते हैं बिना असलियत जाने। असलियत खोजने का बीड़ा भी कौन उठाए जो हमारे देश की मीडिया वायरल सच, सच या झूठ, हकीकत क्या है जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।